हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने OSSS की जो प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई थी, आप लोग कमेंट्स आ रहे थे मैम प्रैक्टिकल जो स्किल के क्वेश्चन, इन्होंने अब की बार ये प्रैक्टिकल स्किल्स के जो क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, तो उसके लिए वीडियो बनाया जाए। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपके कमेंट्स आ रहे थे मैम इसके ऊपर क्वेश्चन भी लेके आइए। ठीक है, तो इसमें हम आज यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब जो MCQs होते हैं सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का प्रेपरेशन कर रहे हैं, स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम या फिर फार्मा का कोई भी एग्ज़ाम है, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन देखिए, पेशेंट्स प्रिस्क्राइब इरिवर्सिबल मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ठीक है, इरिवर्सिबल माओ इनहिबिटर्स जो होते हैं ना, वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया हुआ है। शुड बी वॉर्न्ड नॉट टू कंज्यूम फूड कंटेनिंग टायरामिन। ठीक है, उनको ये वार्निंग दी हुई है, उनको क्या नहीं लेना, जिसमें टायरामिन जो होता है, टायरामिन कंटेनिंग फूड्स जो होते हैं वो नहीं लेने, बिकॉज द कॉम्बिनेशन मे कॉज। अगर मतलब कि जिसको इरिवर्सिबल माओ इनहिबिटर्स दे रहे हैं, उनको टायरामिन कंटेनिंग फूड्स देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये इंटरेक्शन है आपको पता होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन, देखिए पोस्टीरियर हाइपरटेंशन, एक्यूट एड्रेनर्जिक क्राइसिस इंक्लूडिंग सीवियर हाइपरटेंशन, मसल वीकनेस एंड ट्रेमर्स एंड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर माओ इनहिबिटर्स देते हैं तो टायरामिन जो है ये इनका फिर डिग्रेडेशन नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से क्या होता है, सीवियर हाइपरटेंशन हो जाती है। ठीक है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका इसमें राइट हो जाएगा। इसको चीज़ रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या देते हैं, रैपिड एक्टिंग अल्फा ब्लॉकर देते हैं, आईवी मतलब इंट्रावीनस देते हैं, कौन सा, फेंटोलामिन देते हैं, फेंटोलामिन जो होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, अर्ली सिम्टम्स ऑफ एस्पिरिन पॉइजनिंग आर। ऑप्शन देखिए, लिथार्जी, थ्रोम्बिक हेडेक, फ्लू रिटेंशन, रिंगिंग इन ईयर्स एंड ब्लड विजन। ठीक है, तो एस्पिरिन की पॉइजनिंग में जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, रिंगिंग इन ईयर्स एंड ब्लड विजन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, व्हेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंजेस्टेड एट द सेम टाइम। कह रहे व्हेन, जब कह रहे CNS डिप्रेसेंट्स जब दे रहे हैं, ठीक है, पेशेंट को क्या CNS डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बी इंजेस्टेड, तो उसी टाइम पे क्या नहीं लेना चाहिए जब CNS डिप्रेसेंट्स दे रहे होते हैं, मिल्क, कॉफ़ी, अल्कोहल या एस्पिरिन। तो अल्कोहल नहीं देना चाहिए जब CNS डिप्रेसेंट दे रहे होते हैं, तो अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, एन एंटीबायोटिक विच हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 1 डे। ठीक है, एंटीबायोटिक है जिसकी हाफ लाइफ है 1 डे, एंड 1 डे इज़ फॉर्मुलेटेड एज ए 200 mg टेबलेट्स। ठीक है, हाफ लाइफ है 1 डे है और 200 mg की टेबलेट है। हाउ मैनी मिलीग्राम ऑफ एंटीबायोटिक वुड रिमेन आफ्टर 3 डेज। इस टाइप के क्वेश्चन भी ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं। देखिए हाफ लाइफ है 1 डे, एक दिन हाफ लाइफ है, मतलब क्या है, एक दिन के बाद ड्रग जो है वो हाफ हो जाएगी, हमारी 200 mg टेबलेट है, तो एक दिन में कितनी हो जाएगी, वो 100 mg हो जाएगी, है ना, और उसके एक दिन में 100 mg हो गई, और फिर उसके बाद एक और दिन मतलब उस 50 mg रह जाएगी, मतलब 2 दिन में, है ना, फिर उसके बाद एक और दिन मतलब 3 दिन में कितनी रह जाएगी, इसका आधा कर लीजिए, 50 का हाफ हो जाएगा 25 mg। तो हमसे यही पूछा है कि 3 दिन में कितनी रिमेनिंग होगी, तो वो 25 mg रह जाएगी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं, मतलब मैं आपको एक तरीके से बस टाइप बता रही हूँ, इस टाइप के आ सकते हैं क्वेश्चन, तो कुछ भी आ सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब इस टाइप के आ सकते हैं, जैसे ये हाफ लाइफ दे दी, और मतलब कि 4 हाफ लाइफ में ड्रग कितनी होगी, 3 में कितनी होगी, इस टाइप से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, रीनल एक्सक्रीशन ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग ऑफ PKA 3.5। ठीक है, हमारी ड्रग कैसी है, वीकली एसिडिक है,
PKA3.5 है, क्या है, वीकली एसिडिक ड्रग है, विल बी मोर रैपिड इन अल्कलाइन यूरिन, तो इसका जो एक्सक्रीशन है अल्कलाइन यूरिन में रैपिड होता है देन एसिडिक यूरिन। ठीक है, देखिए वीकली एसिडिक ड्रग है तो अगर जब यूरिन कैसा है अल्कलाइन यूरिन होगा तो देखिए क्या होगा, ड्रग्स जो है आयोनाइज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन हो जाएगा ड्रग का। जब ड्रग आयोनाइज हो जाती है तो क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी ड्रग, क्योंकि आपको पता है एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होना चाहिए, नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, तो एब्जॉर्ब नहीं होगी तो इसका मतलब वो इजीली एक्सक्रीट हो जाएगी। ओके, तो यही था इसमें कि रीनल एक्सक्रीशन ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग विल बी मोर रैपिड इन अल्कलाइन यूरिन देन इन एसिडिक यूरिन, तो क्यों होता है आपसे इसका रीज़न पूछा है, तो वो रीज़न हमारा ये हो जाएगा कि ड्रग जो है वो आयोनाइज हो जाएगी और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, फिर उसका एक्सक्रेशन हो जाएगा। आप ऑप्शंस देख लीजिए, ड्रग आर एक्सक्रेटेड मोर रैपिडली इन अल्कलाइन यूरिन, द ड्रग विल एग्जिस्ट प्राइमरली इन द अनआयोनाइज्ड फॉर्म विच कैन नॉट ईजिली बी रीअब्जॉर्ब, नहीं अनआयोनाइज्ड में तो नहीं होगी, वो आयोनाइज हो जाएगी। ड्रग विल एग्जिस्ट प्राइमरली इन द आयोनाइज फॉर्म विच कैन नॉट बी ईजिली रीअब्जॉर्ब, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ड्रग जो है वो आयोनाइज हो जाएगी फिर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है वीकली एसिड्स कैन नॉट बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द किडनी ट्यूबल्स, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टू फॉर्म ए प्राइमरी इमल्शन ऑफ ऑलिव ऑयल द क्वांटिटी ऑफ अकेशिया पाउडर इज, देखिए ऑलिव ऑयल जो है फिक्स्ड ऑयल में आता है, तो प्राइमरी इमल्शंस की प्रिपरेशंस के लिए फिक्स्ड ऑयल के लिए क्या मेथड, 4:1 मेथड हम पढ़ते हैं, 4:2:1, तो ये 4:1 है, ऑयल वाटर और गम, इसे कैसे याद करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे हम OMG बोलते हैं ना, OMG, तो इसमें बस M की जगह इसमें W लगाना है, ठीक है, तो ये 4:1 है, OWG है, तो ऑयल जो है उसका रेशो 4 होना चाहिए, वाटर का 2 होना चाहिए, गम का 1 होना चाहिए। हमसे क्या पूछा, गम का पूछा है, अकेशिया क्या है, गम है, तो क्वांटिटी ऑफ अकेशिया पाउडर कितनी होती है, देखिए अकेशिया जो है ये 1 है, तो ऑयल तो 4:1 में है, वाटर 2:1 में है, तो अकेशिया जो है इनके रिस्पेक्ट में पूछा है आपसे, ऑयल और वाटर के, ठीक है, तो जो अकेशिया की क्वांटिटी है, गम की क्वांटिटी है, वो ऑयल की तो क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी ऑयल की तो, और वाटर की हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, ठीक है, 1/4 ऑफ ऑयल, या फिर हम बोल सकते हैं 1/2 ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं हम। आपके ऑप्शंस देख लीजिए आप, 1/4 ऑफ ऑयल, तो आपका ऑप्शन 1 ही राइट हो जाएगा, 1/2 जो है हाफ जो है, अगर यहाँ पर वाटर होता तो हमारा ऑप्शन राइट होता, ठीक है, तो हमारा तो ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, इन इक्वल प्रोपोर्शन डबल ये कुछ नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन है एन 80-year-old लेडी सफरिंग फ्रॉम osteoarthritis ऑफ हिप एंड नी joints इज गिवन diclofenac 50 mg थ्राइस डेली एंड पैरासीटामोल दे रही है 1 gram एज रिक्वायर्ड, शी कंप्लेन्स ऑफ पासिंग ब्लैक स्टूल्स, तो ये सिम्टम्स हैं किसकी वजह से हैं, देखिए ठीक है, तो ये किसकी वजह से आते हैं, देखिए ऑप्शन देखिए, पैरासीटामोल कोजिंग ब्लैक स्टूल्स नहीं होगा, चेंज इन फूड हैबिट्स नहीं, अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग ड्यू टू डिक्लोफिनेक, तो आपका ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। ओके, एज रिलेटेड इंक्रीज ये नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ए पर्सन टेकिंग नाइट्रोग्लिसरीन कंज्यूम एल्कोहल, ठीक है, एक पर्सन है जिसको क्या दे रहे हैं, नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे हैं, वो एल्कोहल कंज्यूम करता है, ड्रग इंटरैक्ट विद एल्कोहल एंड इफेक्ट सीन इज, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, उसमें एक मैंने आपको सिल्डिनाफिल की इंटरेक्शन बताई थी ना, सिल्डिनाफिल की, तो उसमें क्या है एल्कोहल का भी वही होता है, सिल्डिनाफिल भी क्या करा देता है, हाँ हाइपोटेंशन करा देता है, ठीक है, अगर नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं जिन पेशेंट्स को, उनको सिल्डिनाफिल भी देते हैं तो हाँ हाइपोटेंशन हो जाता है ना, सीवियर हाइपोटेंशन, ऐसे ही अल्कोहल भी देते हैं ना, ड्रग इंटरेक्ट अल्कोहल के साथ भी वही है, क्योंकि वैसे डायलेशन कोज कराते हैं, हाइपोटेंशन होता है, तो क्या हो जाएगा, सीवियर हाइपोटेंशन एंड कोलैप्स, आपका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इनटेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय ए पेशेंट टेकिंग एन ओरल एंटीकोएगुलेंट, तो ये जिसको ओरल एंटीकोएगुलेंट्स दे रही हैं, जैसे वॉरफेरिन जो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स हैं, तो मतलब क्या अवॉइड करना चाहिए, विटामिन्स दिए हुए हैं तो कौन सा विटामिन अवॉइड करना चाहिए, देखिए साइनोकोबालमिन, थायमिन, मिनाडियोन, टोकोफेरोल, तो ये मिनाडियोन जो होता है ऑप्शन सी, क्योंकि ये क्या है विटामिन के होता है, विटामिन के क्या कहता है, ब्लड की क्लोटिंग कराता है ना,
तो ये अवॉइड करना चाहिए, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। ए बिजनेस एग्जीक्यूटिव वाइल प्लेइंग टेनिस कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन एंड वाज ब्रोट टू इमरजेंसी रूम। ही हैज़ हिस्ट्री ऑफ माइल्ड हाइपर टेंशन एंड एलिवेटेड ब्लड कोलेस्टेरोल। ओके, ई सी जी चेंजेस कंफर्म्ड द डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। ओके, द डिसीजन इज मेड टू ओपन हिज ऑक्लूडेड आर्टरी। मतलब कि उसके आर्टरी में ब्लड क्लोट हो रखा है, तो उसको मतलब कि क्या करना, ओपन करना है बाय यूजिंग थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स यूज करके, एंड ऑल्सो यूज एस्पिरिन लेटर। द थ्रोम्बोलिटिक एजेंट यूज इज, तो आपको पता होना चाहिए थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स कौन से होते हैं। तो ऑप्शंस देखिए, हिपेरिन, वॉरफेरिन, एनिस्ट्रिप्लेज, विटामिन के। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा बनाया हुआ है, वैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स पूछा है आपसे। ठीक है, तो आपको पता है स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज वगैरह, एनिस्ट्रिप्लेज, ये सब होते हैं, तो आपका ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। जो थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स हैं वो एनिस्ट्रिप्लेज हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन कैन नॉट टॉलरेट इनालाप्रिल। एक पर्सन है वो इनालाप्रिल को टॉलरेट नहीं कर सकता। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, तो उसके मतलब इनालाप्रिल की जगह उसको क्या दूसरी ड्रग दे सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ओमीप्राजो, लोसार्टन, रोसिग्लेटाजोन या क्लोफिब्रेट। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, इसमें मोस्टली मैंने जो ड्रग इंटरेक्शन के क्वेश्चन थे ना वो वाले इंक्लूड कर लिए। ठीक है, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन है, ये भी प्रैक्टिकल स्किल्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जैसे इनकम्पैटिबिलिटी के क्वेश्चन भी हैं और DSBM के भी क्वेश्चन इसमें आएंगे, तो DSBM के वीडियो अपलोडेड हैं, आप वहाँ से भी देख लेना। और वैसे और क्वेश्चन भी अभी मैं लेके आऊँगी। ठीक है, तो ये सब है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।